प्रदेश के गृह मंत्री तामध्वज साहू को अतिरिक्त कृषि मंत्री का प्रभार दिए जाने से उनके निवास स्थान पर बधाई देने समर्थकों एवं शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। इस दौरान ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने नए कृषि मंत्री से मंत्रिमंडल में परिवर्तन को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान गृह मंत्री तामध्वज साहू ने कहा कि इस मंत्रिमंडल के बदलाव से आगामी विधानसभा चुनाव में सकारात्मक असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज। इस वक्त आज हम मौजूद हैं गृह मंत्री तामध्वज साहू के निवास स्थान में। कृषि जैसा बड़ा विभाग उनको दिए जाने पर यहाँ पर शुभकामनाएं देने वालों का लगातार दौर जारी है और शुभकामनाएं के साथ लोग उनके काफ़ी उज्ज्वल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। इसी दौरान हम भी यहाँ पहुँचे और उनसे कुछ चंद सवालात उनके बहुत अल्प समय में हमने उनसे किया, तो देखते हैं उनके साथ हुई बातचीत के खास अंश। आइए, तो देख रहे हैं आप लगातार यहाँ पर मिलने मिलाने का दौर जारी है। अपनी अपनी समस्याएं लेकर लोग गृह मंत्री के पास पहुँचे। एक साथ कई विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। प्रदेश सरकार, खासकर राज्य की मुखिया ने इन पर एक बड़ा भरोसा किया है और ऐसा विभाग इनको दिया है, तो इनसे जानेंगे कि चुनाव के ऐन समय में इस तरह का फेरबदल क्यों, क्या है इसकी पीछे की मंशा। से मैं आपका चंद मिनट लेना चाह रही हूँ। ऐन चुनाव के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इस तरह का बदलाव, कृषि जैसे विभाग की आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहना चाहेंगे? जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हाई कमान ने जो सौंपा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनता के हित में, किसानों के हित में जो बेहतर काम हो सकता है, जो लाभ उनको देने का है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसके तहत हम प्रदेश के किसानों के लिए क्या और कर सकते हैं। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, चाहे वो किसानों की कर्जा माफ़ हो, धान खरीदी की बात हो, 15 क्विंटल से 20 क्विंटल करने की बात हो, किसानों का गोबर खरीदी की बात हो, बिजली बिल हाफ की बात हो, सिंचाई कर माफ़ की बात हो, लगातार निर्णय करके क्रियान्वित करते जा रहे हैं। माननीय मंत्री रविन्द्र चौबे जी ने अपने कार्यकाल में बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में काम करके आगे बढ़ाया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन कामों को और बेहतर तरीके से आगे कर सकूं। बघेल वर्सेस बघेल का एक ये मुद्दा नज़र आ रहा है, अभी ने चुनाव बनाया गया है घोषणा पत्र का संयोजक, कैसा असर पड़ेगा इसमें? इसमें हमारे दल को कहीं कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि सरकार बनने के बाद जितनी योजनाएं बनी, जितना कार्यक्रम हुआ, जितने कार्य हम लोगों ने किए, सर्वहारा वर्ग के लिए जो योजनाएं बनाकर काम किए, वो हमारे पक्ष में है और पूरी जनता खुश है, इसलिए कहीं पर भी इस बात का कोई असर होगा ऐसा मैं नहीं मानता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC अध्यक्ष बनाया गया अभी बैज सर को, उस पर क्योंकि एक युवा वर्ग है, कैसा असर पड़ेगा और किस तरह के सरकार पर इन्हें पॉजिटिव छाप छोड़ेगा? सरकार के पक्ष में वातावरण पहले से बहुत अच्छा है, काफ़ी है, और जितना भी फेरबदल होता है आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार होता है, और ये जो वातावरण बना है इसमें और बेहतर प्रदर्शन होगा और हम और काफ़ी अच्छा परिणाम 75+ दे पाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। सर, आप दुर्ग जिले के ग्रामीण विधायक भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, अभी टाउनशिप वालों के लिए एक लीज का मुद्दा काफ़ी गहराया हुआ है, लीज की रजिस्ट्री को लेकर जो शुरुआत की गई है माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर, तो वहीं भाजपा विपक्षी लोग इसको चुनावी स्टंट मान रहे हैं। उनका कहना है मालिकाना हक लीजधारियों को नहीं मिलेगा। चुनावी स्टंट नहीं है, जो लीज पहले हुआ है, लीजधारियों के जो टर्म्स कंडीशन रहे हैं और वर्तमान में टर्म्स कंडीशन में क्या अंतर है उसको देख लें, देख के बताएं तो अंतर महसूस किया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो चर्चाएं हुई हैं उसके अनुसार जो समझौता हुआ है उसके तहत में ये काम चल रहा है। मैं तो अपने विधानसभा के रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठाएं, और क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे बाद यह फिर से लीज खुला है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं कीमती समय से हमें समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, और जो चैनल देखेंगे सुनेंगे उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थी प्रदेश की गृह मंत्री दामोदर साहू, एक साथ इन्हें कई विभाग की जिम्मेदारी के साथ में एक विभाग इनको कृषि का भी दे दिया गया है। उन्होंने भी हमसे बात करते हुए, चर्चा करते हुए कहा है कि इस विभाग का भी निर्वहन वो काफ़ी अच्छे से करेंगे और कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने हमसे चर्चा की है। लगातार हमारे साथ बनी रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार।